भजन संहिता अध्याय 144 भजन संहिता अध्याय 144 धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला, वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचे करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा, बिजली कड़कड़ाकर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे, अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं दस्तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बढ़ते हुए हो और हमारी बेटियां उन कोनों वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न धरा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें विघ्न न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीट न हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है।